हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आफ्टर इफेक्ट में आप जो मोशन होता है, हम लोग मोशन क्रिएट करते हैं तो कितना सारा टाइम लग जाता है हमको उस मोशन को क्रिएट करने में। तो वो मोशन मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस मोशन को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट में आने वाला मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है, आफ्टर इफेक्ट में आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लिंक है ये मैं इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुला हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे जाना है आपको नीचे, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा जेपी शेयर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐड आएंगे, उसको क्लोज़ कर दीजिए। एंड इस तरीके से आपको एक दो बार ट्राई करना है और फिर इस तरीके से ये जो है डाउनलोड होने लगेगा। आप ओके कर दें तो ये डाउनलोड होने लगेगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा है। इसके बाद मैं जाती हूँ 30 मोशन प्रीसेट पैक के अंदर। यहाँ पे देखिए, आपको ये सारे जो हैं वो मोशंस दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है, ये 30 मोशन एलिमेंट्स पैक है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है आफ्टर इफेक्ट, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज से भी जा सकते हैं। तो आपको आफ्टर इफेक्ट पे राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन, आप सी ड्राइव में जाके भी इसको कर सकते हैं। राइट क्लिक करके वापस से करेंगे हम ओपन फाइल लोकेशन, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा प्रीसेट्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सो ये देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया इसको, तो ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा हुआ है। और पेस्ट करने के बाद देखिए, ये इंस्टॉल हो चुका है प्रीसेट्स। तो मैं आपको यूज़ करना भी बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है, ये आपको कहाँ मिलेंगे प्रीसेट्स। तो ये मैंने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं कोई भी साइज़ ले लेती हूँ, और अभी मैंने यहाँ पर एक सॉलिड ले लिया है। देखिए, मैं इसका कुछ कलर ले लेती हूँ लाइक दिस। ये मैंने एक कलर ले लिया है। और अब आपको करना क्या है, आपको जाना है इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में। सो देखिए, यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स विंडो के अंदर जाके भी आपको ये मिल सकता है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। तो आपको जाना है एनिमेशन प्रीसेट्स में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा 30 मोशन एलिमेंट्स पैक। तो आपको जस्ट डबल क्लिक करना है और ऑटोमेटिक एक न्यू लेयर बन जाएगी। तो देखिए, ये है हमारा मोशंस, ये बन चुका है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसको छोटा भी कर सकते हैं स्केल करके यहाँ से। और दोस्तों, इसकी एक ख़ास बात यह है कि आप इसको आपके हिसाब से कलर भी दे सकते हैं इसमें। तो ये रही इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे जाके आप इसको कलर दे सकते हो। और दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करो तो मेक श्योर कोई भी लेयर जो है आपकी वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं चलिए दूसरी लेयर लेती हूँ, ये देखिए गिफ्ट वाला बुश लेती हूँ, जस्ट क्लिक किया मैंने। और अगर बाई चांस मेरा कर्सर यहाँ होता है 16 सेकंड पे, तो जो मोशन है वो 16 सेकंड पे दिखाई देगा। अभी मेरे स्टार्टिंग में है कर्सर, तो स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। सो ये देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। ये देखिए, लाइन्स में भी हैं हमारे पास कई सारे। सो देखिए, मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ लाइन्स का, ये देखिए। दोस्तों, इस तरीके से आप इन सभी को ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत ही पसंद है, तो आप इनको यूज़ करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड इट विल बी रियली वेरी अप्रिसिएटिव इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगैन, बाय बाय।